हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम मंदिर घूमकर आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ स्टे कर रहे हैं। और पहली बार हम लोग हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं, तो हम लोग स्टे कर रहे हैं गो स्टॉप्स वाराणसी में। और गो स्टॉप्स के हर सिटी में अलग अलग ब्रांचेस है, तो हम वाराणसी वाले में स्टे कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कितना प्यारा बंगलो बनाया है और बहुत ही कलरफुल है। तो अंदर से दिखाते हैं सब सेटअप कैसा है। आ जाओ। बैठ के अपना काम भी कर सकते हैं, इधर भी बैठने के लिए टेबल बना हुआ है। और ये रिसेप्शन एरिया है। अब चलिए आपको मैं हॉस्टल के अंदर लेकर चलती हूँ। ये बॉयज का रूम है। अच्छा, कोई है नहीं यहाँ पे आज? अच्छा, घूमने गए होंगे सर। ये 14 डॉम्स का बेड है, 8 बेडरूम का। तो ये है अभी फर्स्ट फ्लोर हॉस्टल का। तो हॉस्टल्स में ना आप बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि एक फूसबॉल है और कार्ड्स भी थे वहाँ पर, तो ऐसे गेम्स खेल सकते हैं। खेलना। ए वाओ सुमी, यहाँ पे देख बैठने वाला है, झूला है, टूटेगा नहीं क्या कोई बैठे तो? चलो आज ये भी बॉम्ब है। तो बॉयज का है भी? हाँ, आई इसमें दिखाएंगे। अच्छा, बॉयज का है। ओके, ये भी बॉम्ब है, बॉयज का है ना? बॉयज का ज़्यादा रूम्स है ना। चलो अभी ऊपर चलते हैं। तो ये है सेकेंड फ्लोर और यहाँ पर गर्ल्स रूम है, जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही एंटर कर सकती है रूम के अंदर। इनके स्टाफ भी विदाउट परमिशन एंटर नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी एरिया जो है वो कॉमन एरिया है। मैं आपको हमारा रूम दिखाती हूँ। ये गर्ल्स रूम है। और ये है इस रूम का कॉमन वॉशरूम। तो ये है मेरा बेड, बहुत क्लीन रखा गया था और लाइट एंड फैन सब दिया गया है। और ये हमने एसी वाला रूम लिया था, तो जिसको जब चाहे वो लाइट ऑन कर सकता है, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और अब चलते हैं लास्ट फ्लोर पे, जो है इनका टेरेस एरिया। और यहाँ पर बहुत सारी कलरफुल पेंटिंग्स भी लगाई गई है। अच्छा हाँ, ये तो अच्छा, इधर भी वॉशरूम है ऊपर। हाँ हाँ हाँ, मिरर। तो ये प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, कलरफुल वाइब है यहाँ की। हॉस्टल्स में मोस्टली यंगस्टर्स ही रहते हैं, तो उस तरीके के हिसाब से ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। तो ये था पूरा हॉस्टल टूर। तो यहाँ पर प्राइवेट रूम्स हैं और प्राइवेट रूम का यहाँ पे प्राइस है 3,500। ये अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग सीजन में प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। और ये वाला रूम हमने बुक किया था, जो है 6 बेड फीमेल्स का। इसमें प्राइस था 575। लेकिन अगर आप ये वाला स्लाइड देखोगे, यहाँ पर मैंने डेट चेंज किया हुआ है, तो इसमें और कम प्राइसेस बता रहा है। तो मतलब वही है कि अलग अलग डेट्स पे अलग अलग प्राइसेस आपको मिल सकती है। और ये है बॉयज़ के रूम का प्राइस। और यहाँ पर ये सारी एमिनिटीज़ है जो आपको मिल सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट।